भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के सरकार को इस बात का एहसास कराना है। मजदूर किसान छत्तीस बिरादरी के नेता की आपकी भाई अभय सिंह जी चौटाला का स्वागत करेंगे माला पहना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह जी चौटाला, भाई ताऊ देवीलाल, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला। आने वाली 30 तारीख को आपके इलाहाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है। वोट आपका है, मत आपका है, फैसला आपका है, लेकिन वोट डालने से पहले ये जो 2 वर्ष पिछले आपके बीच में सरकार के रहे, जिस तरह से इस गठबंधन की सरकार में आप लोगों के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियां रही, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब साथियों ने आपके बीच में बड़े खुल करके उन सारी बातों का जिक्र किया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, कोरोना की आड़ के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जहां कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान वर्ग के सामने जो एक सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया, आज लगातार पिछले 11 महीने से दिल्ली के चारों तरफ लगने वाले जो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर है, उनके ऊपर हजारों की संख्या के अंदर किसान अपना घर परिवार खेत और खलिहान छोड़कर के लगातार जहां कृषि के 3 काले कानून रद्द हो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आज वो आंदोलन केवल और केवल किसान का ना हो करके आज 36 जात के लोग उस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। आज जिस ढंग से इस 2 वर्ष के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पिछले 1 साल में 25 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके आम लोगों के ऊपर महंगाई की जो मार करने का सरकार ने काम किया, आज जहां गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था 1000 रुपए में मिल रहा है, आज जरूरत की कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदने जाते हो उसके दाम बढ़े हुए हैं, जहां किसान आज कमजोर हो रहा है वहीं व्यापारी का धंधा भी आज इस राज्य में चौपट है। आज दिवाली नजदीक होने के बाद, त्योहार नजदीक होने के बाद भी जिस किस्म की रौनक बाजार में होनी चाहिए थी, जिस ढंग से आज हमारी दुकानों से सामान बिकना चाहिए था, इस सरकार ने कृषि के 3 ऐसे काले कानून बढ़ाए जिसकी वजह से किसान आज मंडी में आने के बजाय कहीं मायूस होकर के अपने घर पे बैठा है। उस समय में ये कह रहे थे कि जब तक ये कृषि के 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे हमें नहीं लगता कि हमारे व्यापार में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी हो जाएगी। जहां व्यापारी पे मार पड़ी वहीं आज कर्मचारी भी परेशान है, आज मजदूर भी परेशान है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों से छुटकारा मिले तो फिर साथियों, इस 30 तारीख को आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के सरकार को इस बात का एहसास कराना है कि आपने जिस ढंग से हमारे सामने परेशानी खड़ी करी है, आज हम आपको इस बात का सबक दे रहे हैं। जहां उनकी जमानत जब्त कराओ वहीं साथियों, लगातार जब से इस कृषि के काले कानून के 3 अध्यादेश आए थे,
तब से लेकर के अब तक लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार वॉलेंटियर के रूप में काम करके जहां इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहा है, वहीं लगातार इस आंदोलन को मजबूत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से एक ताकत देने का काम किया है, अगर आप चाहते हो कि किसी के तीनों काले कानून खत्म हो तो फिर 30 तारीख को एनएच के सामने का बटन दबा करके कांग्रेस से बीजेपी को सबक सिखाने का काम करना। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मजबूरी है, मेरे 7-8 गांव के कार्यक्रम है, इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेकर के एक बार फिर आपसे आग्रह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए 30 तारीख के दिन को भूल मत जाना, सुबह सवेरे परमात्मा का नाम लेकर के अनक के सामने का बटन दबाना।